गाइस वेलकम टू पाकिस्तान एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खूब एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदत से नाम बशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार बहुत बड़ी न्यूज है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अफगानिस्तानी के काफी जो बड़े बड़े सैनिटर्स हैं और लोग हैं, इंडिया ने काफी अफगानिस्तान से लोग, मतलब हिंदू और सिख भी आ रहे हैं और मुस्लिम भी आ रहे हैं इंडिया में ना, तो मतलब फ्लाइट जा रही है इंडिया की। तो मतलब पहले मैं आपको टाइटल बताऊंगा, वो है अफगानिस्तान से आए हुए सैनिटरों ने इंडियन एयरफोर्स और तालिबान के बारे में ये बोला। मतलब अफगानिस्तान से जो सैनिटर्स आए हैं उनके, हाँ, या इंडिया के, अब ये नहीं मुझे पता, जो भी आए अफगानिस्तान से, हाँ, अफगानिस्तान से जो आए हैं लोग, उन्होंने आकर इंडियन एयरफोर्स और तालिबान के बारे में क्या बोला, देखते हैं जल्दी से पहले वीडियो, उसी के बाद सही से पता लगेगा पूरा सीन क्या हुआ है। हाँ भाई, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, भारत तक का ये वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। तो देखते हैं भाई, और इंडियन एयरफोर्स यार काफी मददगारी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं। निकाल रहे हैं। हाँ, तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। अफगानिस्तान में तालिबान ने तांडव मचा रखा है, आम लोग डरे हुए हैं। वहीं दूसरे देशों की भी सरकारें अपने नागरिकों को लेकर चिंतित हैं। हर एक देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालना चाहते हैं। इसी क्रम में अफगानिस्तान से भारतीयों को बड़ी संख्या में स्वदेश वापस लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान, जिसने 22 अगस्त की सुबह अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरी थी, वो गाजियाबाद के हिंडन IAF बेस पर उतरा। विमान में 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग सवार थे। अफगानिस्तान में सालों से रह रहे भारतीय मूल के लोगों को हिंदुस्तान वापस लाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार की सुबह तक 3 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए ये तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं, इनकी वतन वापसी हुई है। फिलहाल अभी इमिग्रेशन के अंदर उनकी चेकिंग जो है वो चल रही है। 200 के आसपास पैसेंजर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 जो पैसेंजर्स हैं वो अफगानिस्तान मूल के हैं और बाकी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं। कल सरकार की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया, और फ्लाइट में चढ़ने के दौरान जो तमाम पैसेंजर्स थे उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, उसका वीडियो भी जो है वो सामने आया। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में जो सांसद हैं उनका भी एक वीडियो जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार किया जो है वो धन्यवाद किया कि किस तरीके से उनको रेस्क्यू करके जो है वो हिंदुस्तान जो है वो लाया जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल लगातार जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की स्थिति जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही है, उसका कब्जा जो है वो हो चुका है, और ऐसे में जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर की जा रही है, उसका सिलसिला लगातार जारी है। अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाए जाने वाले यात्रियों में नेपाल के नागरिक और 4 राजनयिक भी शामिल थे। राजनयिकों में अफगानिस्तान के सीनेटर नरेंद्र सिंह खालसा और अनार कली शामिल हैं। ये सेनेटर थे दो। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वजीर खारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को, तो जो बड़े बुरे वक्त विचार साढ़ा इन्होंने गिरफ्तारी की, पंजाबी में बोल रहा हूं, लोग खड़े होके 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं, और बाकी मान संगत साड़ी काबुल में रह रही है, उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए, मतलब बाकी को भी लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत खुशी है सानू मिली कि पूरे टाइम के विचार सानू मौत तो बचा के इन्होंने कर दिया। आज
दिल्ली सुरक्षित पहुंचने के बाद इन लोगों ने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों सेनेटर्स ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि वहां जितने भी लोग मुसीबत में हैं, भारत सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। इस विमान के सुरक्षित भारत में लैंडिंग के बाद इंडिगो का एक विमान कतर की राजधानी दोहा से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 135 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इसमें इंडिया ने वाकई इंसानियत का भाई सबूत दिया कि अपने एक इतना C-17 बहुत बड़ा जेट होता है जिसमें मतलब कम से कम 200 के करीब लोगों को बिठा के वापस लेकर आए और जिसमें से 20 105 इंडियंस थे, कोई 30-40 अफगानी थे और बाकी मतलब कंट्रीज के और हर कंट्री के लोगों की मतलब मदद कर रहे हैं। इंडिया सेनेटर्स हों, आम नागरिक हों, हर किस्म के और अपने इंडियन नागरिक निकाल। और यार बड़े मजे की बात है, देखो अपने लोगों को तो निकाले ही, साथ में अफगानिस्तान के उन लोगों को भी निकाला है जो मतलब एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, उनको भी साथ में निकाला है। देखो सेनेटर्स को भी साथ ले हैं, हालांकि कोई भी किसी ने इस टाइम आपको पता है यूरोपियन फ्लाइट जो हो गई है मतलब बाकी अमेरिकन कंट्रीज निकाल कर ले गए, मुड़ के आई नहीं है वापस। इंडिया ने मोस्टली अपने काफी सारे निकाल लिए, कुछ रहते भी, और इंडिया सिर्फ अपने नहीं निकाल रहा, दूसरों के भी निकाल, मतलब हर फ्लाइट में वो अपने तो ला ही रहा है साथ, मतलब और अफगानिस्तान के भी जो कुछ लोग हैं उनको भी साथ, मतलब जितना वो कर सकता है पूरी मतलब वो लेकर आ रहा है, अपना मतलब योगदान दे सकता है इंडिया उनसे। और नेपाल के भी साथ में ला रहा है, नेपाल भी इसका बहुत अच्छा दोस्त कंट्री है, इसी वजह से उनको भी साथ में लेकर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये भाई मतलब एक बहुत मुझे अच्छी बात लगी। और जो जो लेकर आए वो सेनेटर्स के जो बयान आए जिसमें उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया किया मोदी जी का, गवर्नमेंट का शुक्रिया, मतलब सब कुछ बोला है कि उधर तालिबान ने मतलब आतंक मचाया तो औरों को भी लेकर आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यार हमें हमारे साथ मतलब जो है हम मतलब एक किस्म के वो तो आगे, वो कहते हैं कि और जो लोग उधर फंसे हैं उनको भी साथ लेकर आए, मतलब और इंडियन भी जो हैं या बाकी जो मतलब जरूरतमंद लोग हैं उनको भी लेकर आए, क्योंकि अभी तो थोड़े से इंडियंस रह गए हैं, क्योंकि बाकी सारे आ गए हैं, मैक्सिमम ज्यादातर निकाल लिए हैं, काफी ज्यादा फ्लाइट्स भेजे और कुछ उन्होंने पहले ही निकाल लिए थे, बहुत अच्छा काम किया था इंडिया ने। इंडिया वायद ऐसा देश था जिसने सबसे पहले मतलब सबसे पहले निकाले थे, और ये भाई इंडिया की स्ट्रेटेजी मुझे सबसे ज्यादा बहुत अच्छी थी वाकई में। देखे औरों को बाद में फिर अपनी अपनी पड़ी, लेकिन इंडिया ने मोस्टली लोग निकाल लिए थे, पहले ही निकाल लिए थे, और अभी मोस्टली औरों की भी मदद इंडिया कर रहा है और वो भी कर रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपने बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।